In this question, it is saying ki an object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? देखो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला रहे हैं, मतलब अपन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं. इसका मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है. ठीक है, देखो कैसे करेंगे अपन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास कितना दिया है, मास इज m, इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v. अब देखो जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा तो वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, मतलब उसकी इनिशियल कितने के बराबर है, v के बराबर. समझ गया, वो इनिशियल दिया हुआ है टाइम जीरो. इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को पहली बार देखते हो और जब टाइम जीरो होता है. एक सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं कि मान लो आप किसी रूम में घुस रहे हो. अब जैसे आप उस रूम में एंटर करते हो, अगर सब लोग रेस्ट पर हैं, जब आपने सबको पहली बार देखा, तो अगर सभी लोग रेस्ट में हैं तो उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. और जैसे अगर आप रूम में एंटर कर रहे हो और जब आपने सबको पहली बार देखा, तो अगर सपोज वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनिशियल 5 हो जाएगी. तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा. ओके, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट. रेस्ट मतलब v क्या हो गया, जीरो. अब यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. का फॉर्मूला है m by 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. m by 2 v कितना हो गया बेटा, जीरो, और u कितना दिया है, v. तो आपका आंसर आ गया w विल बी इक्वल टू m by 2, इन ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, माइनस v स्क्वायर. तो w हो गया माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू. दिस इज द फाइनल आंसर. माइनस साइन बहुत ज़रूरी है. माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि आप कौन सा वर्क डन कर रहे हो, नेगेटिव वर्क डन. गाड़ी इस तरफ जा रही है, ये आपकी गाड़ी है, ये इस तरफ जा रही है और आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो. ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये आप फोर्स इधर लगा रहे हो. ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.